कौन से वैक्सीनेशन होने वाला है 18 से अबव एज का, तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने कर चुकी है और वैक्सीनेशन एनफ है कि उस एज के ग्रुप को वैक्सीन? नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है, अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली उसमें है, नहीं कर सकता? अभी आपको 1-2 दिन में बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। 1 दिन का ही समय बचाएंगे, वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे। सर, मौत के आंकड़ों को लेकर थोड़ा बहुत दीपक सवाल उठा रहा है कि जो शमशान घाट के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हमारे सरकारी डेटा में आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिएगा, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। आपको याद होगा पिछली बारी भी 6 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा शोर मचाया था, सब कुछ ठीक था। कौन चाहेगा कि किसी भी चीज़, पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि डेथ हो, एक भी डेथ हो। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है? जिसके पास भी आते हो तुरंत तो रिपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट किसी का ना बन रहा तो बताओ, सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कि कोरोना डेथ है तो कोरोना से, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता, दिल्ली के अंदर कोई भी चीज़ कभी भी नहीं छुपाएगी ना छुपाई जाएगी।